बात झारखंड की करेंगे। टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने 4.42 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है। जब्त संपत्तियों की सूचना ये मिल रही है कि जो अथॉरिटी है उसको दी गई है। तो सूचना एजुकेटिंग अथॉरिटी को दी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर संपत्ति जब्त की गई है। ईडी की तरफ से 4.42 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है जिसे जब्त किया गया है। ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम की संपत्ति जब्त की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़ी हुई और जहांगीर आलम और संजीव लाल, जिनके यहाँ पर ईडी ने पहले छापेमारी की थी, अब संपत्ति जब्त की है। और देखिए, 4.42 करोड़ की ये संपत्ति बताई जा रही है।